सुबह सुबह मैंने अखबार में देख रहा था कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा, राम मंदिर का जो प्रस्ताव है, कल आके सारे लोग प्रधानमंत्री जी को मिला और अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया। तो मैंने जब ये दिल्ली से आते हुए मैं अखबार पढ़ रहा था, मेरा दिमाग में एक प्रश्न बार बार आते रहा, आज देश का स्वाधीन होने का 75 साल हो चुका है, ये जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबर का जगह में जो राम मंदिर बनाया, ये पहला कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बनाया? ये काम नरेंद्र मोदी जी तक इंतजार करना क्यों हुआ? सरासर हमें ये दिखाई देता है कि हमारा जो कांग्रेस का नेतागण था, उनका राम के लिए कभी भी मन में भक्ति नहीं था, उन्होंने हमेशा बाबर को ही भक्ति किया और बाबर को ही पूजा किया। उन्होंने कभी देश में राम मंदिर बने इसके लिए कभी उन्होंने कोशिश नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाने का काम शुरू किया और अभी आते आते राम मंदिर उद्घाटन का समय भी हो गया। ये बात मैंने छत्तीसगढ़ में इसलिए रखा, इसलिए छत्तीसगढ़ से राम का संबंध सबसे नजदीक का है। राम का माँ का कौशल्या यही जन्म हुआ था और माता कौशल्या का कारण ही, आशीर्वाद का कारण ही भगवान राम को हम लोगों ने मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनका शिक्षा मिला। माता और पिताओं, आज हमें एक बात का ऊपर ध्यान आकर्षित करना है, हमको देखना है, हमारा जो भी कांग्रेस का नेतागण है, आप लोगों ने कभी देखा है कि आज 5 साल राम मंदिर का निर्माण काम शुरू हुआ है, कितना भारत का कितना लोगों ने आज रामलला में किया, माथा टेका, राम का सम्मान किया, लेकिन मैंने आज 3 साल में कांग्रेस का कोई नेता उनको रामलला जाना नहीं देखा, उन्होंने राम मंदिर तक नहीं पहुंचा, आज तक नहीं पहुंचा। राहुल गांधी हर मंदिर जाते हैं, चुनाव आते हैं, लेकिन वो राम मंदिर नहीं जाते हैं, इसलिए अगर राम मंदिर और सलाह दिया उनको बब्बर लोग उनको गाली देगा, इसीलिए बाबर का डर में और कभी राम मंदिर नहीं जाते हैं, उनका ये सीट हमें समझना चाहिए।